फुल एजुकेशन सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपका सब्जेक्ट है और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं लेके आई हूँ ऑल चैप्टर के एम सी क्यूज विथ आंसर तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे तो मॉडल वन जो हमारा चैप्टर नंबर वन है इसका चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट चलिए क्वेश्चन नंबर वन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर वन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द डैश मैनेजमेंट ऑफ पीपल इसका आंसर है प्रोएक्टिव प्रोएक्टिव मैनेजमेंट ऑफ पीपल नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश गिव डिटेल ऑफ द जॉब टू बी परफॉर्म इसका आंसर है जॉब डिस्क्रिप्शन गिव डिटेल ऑफ द जॉब टू बी परफॉर्म नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री डैश इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिटिंग फ्यूचर मैन पावर नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इसका आंसर है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज द द प्रोसेस ऑफ ऑफ फ्यूचर मैन पावर नीड ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन नंबर फोर डैश इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑपरेशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ जॉब इसका आंसर है जॉब एनालिसिस जॉब एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ जॉब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड स्टेमुलेटिंग ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयी टू अप्लाई फॉर अ जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन इसका आंसर है रिक्रुटमेंट रिक्रुटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड स्मुलेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय टू अप्लाई फॉर अ जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन नंबर सिक्स डैश मीन चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर दोज हु हैव अप्लाई फॉर द पोस्ट इसका आंसर है सिलेक्शन क्वेश्चन नंबर सेवन डैश इज नॉट प्रोक्योरमेंट फंक्शन इसका आंसर है परफॉर्मेंस परफॉर्मेंसर क्वेश्चन नंबर एट डैश इज द बेसिस ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन इसका आंसर है जॉब डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन नंबर नाइन जॉब टाइटल जॉब लोकेशन जॉब समरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर कंपोनेंट ऑफ डैश इसका आंसर है जॉब डिस्क्रिप्शन Question number 10. Dash is a summary of human qualities required to perform the job effectively. Its answer job specification. Question number 11. Dash is a plan or sketch of the job to be done. Its answer is job design. Question number 12. Dash means breaking the job into small sub parts. Its answer is simpli job simplifications question number 13 in dash employee move from one job to another without any change in the job is considered a job rotation question number 14 dash lead to a horizontal expansion in the job is considered a job enlargement question number 15 dash is a vertical expansion of a job by adding more responsibility and freedom to do it. it is considered a job enrichment क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन डैश इज अ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इसका आंसर है प्रमोशन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी डैश इज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इसका आंसर है कैंपस रिक्रूटमेंट क्वेश्चन नंबर एटीन डैश इज अ पार्ट डैश इज इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन इसका आंसर है जॉब एनालिसिस तो हमने मॉडल नंबर वन की मतलब कि हमारा चैप्टर नंबर वन के एम सी के डिस्कस किए विथ आंसर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल नंबर टू इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट चैप्टर नंबर टू के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सो so, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए बेलाइकन को क्लिक करिए ताकि आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में